षष्ठो अध्याय छठा अध्याय कर्म योग और सांख्य योग इन दोनों ही साधनों में उपयोगी होने के कारण इस छठे अध्याय में ध्यान योग का भली भांति वर्णन किया गया है। ध्यान योग में शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि का संयम करना परम आवश्यक है तथा शरीर इंद्रिय मन और बुद्धि इन सब को आत्मा के नाम से कहा जाता है और इस अध्याय में इन्हीं के संयम का विशेष वर्णन है, इसीलिए तो इस अध्याय का नाम आत्म संयम रूप योग रखा गया है। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने जो कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उधार करें और अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र हैं और आप ही अपना शत्रु हैं। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा को तो आप ही मित्र हैं और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बढ़ता है। सर्दी गर्मी सुख दुखादि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियाँ भली भांति शांत हैं ऐसे स्वाधीन पर आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकाश से स्थित हैं, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान में तृप्त हैं, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण समान हैं वह योगी युक्त अर्थात भगवान प्राप्त हैं ऐसा कहा जाता है। सुहृद मित्र बैरी उदासीन मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ हैं। मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं जो न बहुत ऊंचा है और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसन को स्थित स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों को की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। काया सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थित होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित वाला और मेरे परायण होकर स्थित हो गए। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाया हुआ मुझ में रहने वाले परमानंद पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वालों का न बिल्कुल न खाने वालों का और न बहुत सहन करने वालों के स्वभाव वालों का और न सदा जागने वालों को ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथोचित योग चेष्टा करने वालों का और यथा योग सोने तथा जागने वालों को ही सिद्ध होता है।
अत्यंत बस में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से अस्पृहा रहित पुरुष योग युक्त हैं, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जित अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप से विचलित होता ही नहीं। परमात्मा की प्राप्ति रूपी जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख सुख संसार के संयोग से रहित हैं तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकसाए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, यह स्थित न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटा कर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसा इस सच्चिदानंदगण ब्रह्म के साथ एकाकी भाव से हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। यह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में सम भाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों के आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथल स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका शरीर में इसको बस में करना मैं वायु को रोकने के भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में होता है। जिसका मन बस में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य हैं और बस में किए हुए मनुष्य वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण,
जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो जा गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए ही आप योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय को का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मा द्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उसमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कार को अन्यास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुंती नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को प्राप्ति रूपी सिद्धि के लिए पहले से ही बढ़कर प्रयत्न करता है। वह श्रीमान के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुए भी इस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ हैं, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वाला से भी योगी श्रेष्ठ हैं। इससे हे अर्जुन, तू योगी हो, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी हैं, मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता हो, वह योगी मुझ परम श्रेष्ठ मान्य हैं। इस प्रकार छठा अध्याय संपूर्ण हुआ। सप्तमो अध्याय श्रीमद्भागवत गीता के 18वें अध्याय में यद्यपि कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के क्रम से 6-6 अध्यायों के 3 शतक माने जाते हैं, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि इस शतकों में केवल एक ही योग का वर्णन हो और दूसरे की चर्चा ही न आई हो। जिस शतकों में जिस योग का प्रधानता से वर्णन होता है उसी के अनुसार उसका नाम रखा जाता है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहो, इससे दूसरों को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूपा अर्थात चेतन प्रकृति जान।
हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाला है और मैं संपूर्ण जगत का प्रभाव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मनियों के सदृश मुझसे ही गुथा हुआ है, मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुष तत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध, अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उसका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों को सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात समर्थ हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाला भाव है और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझ से ही होने वाला है ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सब संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए तू इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अधि अद्वित त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया के द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूढ़ लोग मुझको नहीं जोहजते। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाला अथार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एकीकी भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाला ज्ञानियों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय हैं। वे सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरी स्वरूप ही हैं, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मद बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति रूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित हैं। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। उन भोगों को कामनाओं द्वारा जिसका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थित करता हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरा द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त होता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वाले का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजे, अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। अपनी जोग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता अर्थात मुझको जन्म ने मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ।
परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिस पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद रूप मोह से मुझ दृष्टि निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, जो मेरे शरण होकर जन्म और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को संपूर्ण अध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंतकाल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। अष्टमो अध्याय, आठवां अध्याय। अक्षर और ब्रह्म दोनों शब्द भगवान के सगुण और निर्गुण दोनों ही स्वरूपों के वाचक हैं, तथा भगवान का नाम ओम है, उसे भी अक्षर और ब्रह्म कहते हैं। इस अध्याय में भगवान के सगुण निर्गुण रूप का और ओंकार का वर्णन है, इसीलिए इस अध्याय का नाम अक्षर ब्रह्म योग रखा गया है। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है और अधिदैव किसको कहते हैं। हे मधुसूदन, यहाँ यदि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे हैं, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। उत्पत्ति विनाश धर्म वाले सब पदार्थ अधिभूत हैं, हिरण्यमय पुरुष अधिदैव हैं, और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव ही अंतर्यामी रूप से अधियज्ञ हूँ। जो पुरुष अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह सदा उसी भाव से भावित रहता है। इसीलिए हे अर्जुन, तू सब संशय में समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर तू निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से जोग युक्त दूसरी ओर न जानने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को प्राप्त अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत्य रूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी जोग बल से भृकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। वेद को जानने वाला विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा को अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित यत्नशील सन्यासी महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं और जिस परम पद को चाहने वाले ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पदार्थ को मैं तेरे लिए संक्षेप से कहूँगा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर तथा मन को हृदय में स्थित करके फिर उस जीते हुए मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके परमात्मा संबंधी योग
धारण में स्थित हो कर जो पुरुष ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हो हुआ और उसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण परब्रह्म चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, जो पुरुष मुझ में अत्यंत अनन्य चित्त होकर सदा ही निरंतर मुझ पुरुषोत्तम को स्मरण करता है, उस नीच नित्य निरंतर मुझ में युक्त हुए जोगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात उसे सहज ही प्राप्त हो जाता हूँ। परम सिद्धि को प्राप्त महात्मा जन मुझको प्राप्त होकर दुखों के घर एवं क्षणभंगुर पूर्व जन्मों को नहीं प्राप्त होते। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य हैं। ब्रह्मा का जो एक दिन होता है उसको 1000 चतुर्युगीत की अवधि वाला और रात्रि को भी 1000 चतुर्युग की अवधि वाली जो पुरुष तत्व से जानते हैं, ये योगी जीवन काल को तत्व को जानने वाले हैं। संपूर्ण चराचर भूतगण ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि के प्रवेश काल में उस अव्यक्त नामक ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही लीन हो जाते हैं। हे पार्थ, वहीं यह भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति के वश में हुआ रात्रि के प्रवेश काल में लीन होता है और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट हो जाने पर भी नष्ट नहीं होता। जो अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नाम का अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत सर्वभूत हैं और जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह सब जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष को अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने योग्य हैं। हे अर्जुन, जिस काल में शरीर त्याग कर गए हुए जोगी जन तो वापस न लौटने वाले गति और जिस काल में गए हुए वापस लौटने वाले गति को प्राप्त होते हैं, उस काल को अर्थात दोनों मार्गों को कहूँगा। जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता हैं, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता हैं और उत्तरायण के 6 महीने का अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेता जोगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं, रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग में मरकर गया हुआ सकाम कर्म करने वाला योगी उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले गया हुआ चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों को फल को भोग कर वापस आता है, क्योंकि जगत के ये 2 प्रकार के सुख और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे के द्वारा गया हुआ फिर वापस आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। अर्थ इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण ही अर्जुन, तू सब काल में संबुद्धि रूप योग से युक्त हो अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के कर्म करने में जो पुण्य फल पाता है, उस
सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार आठवां अध्याय संपूर्ण हुआ।